आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। ऋणमोचन कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभियान के रूप में चल रहा है। देश की आजादी के बाद किसी राज्य सरकार की तरफ से इस तरह का पहली बार है कि जब जिले स्तर पर पहले चरण में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 लोगों को 1,00,000 तक के लक्ष्य सीमांत किसानों का कर्जा माफ करने का प्रमाण पत्र वितरित हुआ। दूसरे चरण में हर तहसीलों में विधायक, सांसद और सभी जिला प्रशासन के नेतृत्व में हो रहा है। तीसरे चरण में इसी तरह से होगा और पूरे प्रदेश के 86,00,000 किसान इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। 1,00,000 तक के लक्ष्य सीमांत किसानों, 36,000 करोड़ उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद बैंकों को सूचित कर दिया कि अब ये किसानों के कर्जे का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देगी। और आज पहली बार किसी सरकार के द्वारा वायदा पूरा होता हुआ दिख रहा है और केवल सिद्धार्थनगर जनपद के किसानों को 4 से 6 करोड़ का वायदा है और यहाँ 64,425 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम योगी आदित्यनाथ जी को एक बात के लिए किसान मोर्चा योजना में द्वितीय चरण में आज तीसरी बार मैं यहाँ कैंप का आयोजन कर रहा हूँ। आज 625 किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र दिया गया। शेष जो किसान हमारे बच रहे हैं 6,000 के लगभग, उनको मैं 23 तारीख को इसी स्थान पर ऋण मोचन प्रमाण पत्र माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी को